हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भाखड़ा के समीप भर्ती नेला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां सड़क का शिलान्यास और कोर्ट में विद्युत मंडल का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और पंजाब में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का बोलबाला है। पंजाब में सरकार आने के बाद से 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली की सरकार भी पूरी तरह से डगमगा चुकी है। उनके स्वास्थ्य मंत्री पिछले 6 महीने से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का पर्याय क्या होता है, यह पंजाब की सरकार दिखाती है। सड़कों के, रास्तों के आज शिलान्यास किए गए हैं, जो बीबीएमबी के ही प्रयास है। भाई रणधीर जी ने मांग उठाई थी और बीबीएमबी के चेयरमैन ने उनको पूरा करते हुए यहाँ पर रास्तों के 2 करोड़ रुपए का कुल मिला के खर्चा होगा। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता सड़क मार्ग, उसको कम करके अब मात्र 3 किलोमीटर का रह जाएगा, ये भी एक बड़ी सुविधा है। बहुत बढ़ चढ़ कर और कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि राहुल गांधी जी ने अपनी माता के जूते के तस्मे जब खुले तो उसको बांधने का काम किया, लेकिन ये नहीं दिखाया। महिला सम्मान वहाँ तो दिखाया, लेकिन देश की राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुँची हैं, उनको अपमानित करने का काम जो कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने किया है, कांग्रेस के नेता ने किया है, उस पर कांग्रेस मूक दर्शक बन के रही। ये साफ तौर पर नजर आता है कांग्रेस के लिए महिला सम्मान केवल सोनिया गांधी तक ही सीमित। जिस राज्य में आई वहाँ पे भी ग्राफ ऐसा है कि 60 से ज़्यादा हत्याएं पंजाब में अब तक हो चुकी हैं पिछले 4 महीने में, ये आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। स्वास्थ्य मंत्री उनके भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी की जेल में पिछले 5 महीनों से भ्रष्टाचार के आरोप में। शिक्षा से लेकर शराब के घोटालों के आरोप उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और सबूत भी सामने दिखाए गए हैं। बेशर्मी क्या होती है और भ्रष्टाचार क्या होता है, वो खुले में कैसे होता है, आम आदमी पार्टी से तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भाखड़ा के समीप भर्ती नेला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां सड़क का शिलान्यास और कोर्ट में विद्युत मंडल का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में पूरी तरह से विफल हो चुकी है और पंजाब में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का बोलबाला है। पंजाब में सरकार आने के बाद 60 से ज़्यादा हत्याएँ हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भाखड़ा के समीप भर्ती नेला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का पर्याय क्या होता है, यह पंजाब की सरकार दिखाती है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने से पहले दौरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इससे पहले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी दौरे पर थे, उन्होंने भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया। उससे पहले पीएम मोदी हिमाचल पहुंचे और हिमाचल एम्स को की शिलान्यास किया और बता दें आपको बड़ी सौगात दी हिमाचल को, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी आए थे और आधा अधूरा उद्घाटन करके चले गए हैं, ना तो सही से सुविधाएं मिल रही हैं एम्स में, सिर्फ एम्स के नाम पर एक दिखावा है जो एक चुनावी रणनीति है बीजेपी की। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भाखड़ा के समीप भर्ती नेला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां सड़क का शिलान्यास और कोर्ट में विद्युत मंडल का उद्घाटन किया।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना, आज अनुराग ठाकुर भर्ती नेला दौरे पर थे, वहां उन्होंने कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव नजदीक है वैसे वैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, साथ में जेपी नड्डा, इनका जो हिमाचल दौरा है वो चल रहा है, तो ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है उन्होंने आज जो है बिलासपुर में जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि जो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से तंज कसते, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में बनी है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है और पंजाब में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है, जबकि दिल्ली सरकार भी उनकी पूरी तरह से डगमगा चुकी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस से प्रहार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी एक तरफ जो देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं पे जो उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर है, तो ऐसे में कांग्रेस को अपने घर देखना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा से पहले। तो इसको आप ये देख सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर काफी जो आक्रामक रुख है भाजपा अपनाए हुए हैं, हालांकि सत्ता में भाजपा दल है, उसके बावजूद जो विपक्ष है विपक्ष से ज्यादा आक्रामक इस वक्त भाजपा नजर आ रही है। जी टीना जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कुछ हासिल हो पाएगा या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा रहकर रह जाएगी? जी बिल्कुल, अनुराग ठाकुर ने यही कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, वो केवल एक स्टंट है कांग्रेस का। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो यात्रा है उससे कोई फर्क ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उसको उसके साथ अपने को बांध पा रहे हैं, उसके साथ अपने को जोड़ पा रहे हो, तो फिलहाल जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है केवल एक महज स्टंट नजर आ रहा है, उसमें कोई भी जो आम जो लोग हैं अपने आपसे, यहाँ से हिमाचल की स्पेशली बात करनी है, यहाँ से कोई अपने आपसे जोड़ नहीं पा रहा है। जी टीना जी, जिस प्रकार से हिमाचल में चुनाव आने वाला है, समीप चुनाव है, लेकिन अभी जो बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है या कोई भी पार्टी वहां पर जाती है तो कटाक्ष करती है एक दूसरे पर, लेकिन बीजेपी की सरकार रही वहां पर, तो अभी जमीनी जो हकीकत है वहां की वो कैसी है, क्या कोई विकास हुआ हिमाचल में भी? जी देखिए, अब फिलहाल तो किसी एंटी इंडमेंट की तो है सरकार के खिलाफ रहता है, लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा एक जो बहाना है या बहाना से ही या एक जो बात है वो लगातार कहती आ रही है कि जो दो साल से उनके जो कोरोना काल में निकल के उनको काम करने का यहाँ पे मौका नहीं मिला है, यही बात है कि वो लगातार कह रही है कि उनको मिशन रिपीट के लिए एक चांस दिया जाए, उनको एक बार फिर से सरकार बनाने में जो है एक चांस दिया जाए, क्योंकि उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाया था कोरोना काल की वजह से। हालांकि जो विकास की बात करें, अगर अब हम हिमाचल की बात करें, लगातार केंद्र से बड़ी सौगातें मिली हैं, मिलती रही हैं, लेकिन अगर हम कर्मचारियों की बात करें, लगातार कर्मचारी वर्ग निराश है, कम मूलक निराश है, विभिन्न वर्ग जो अगर आप हिमाचल की देखेंगे जगह जगह धरने प्रदर्शन पर जो बैठे हुए हैं, एमपीएस की ओपीएस की मांग को लेकर जो कर्मचारी वो भी यहाँ पर जो है धरने प्रदर्शन को लेकर बैठे हुए हैं, कर्मामूलक बैठे हुए हैं, विभिन्न जो चाहे वो कंप्यूटर निदेशक संघ है या अन्य जो कर्मामूलक संघ है वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल सरकार बेशक ये कहे कि हमने सभी वर्गों का विकास किया है, सभी वर्गों को साथ लेकर चले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह सकती है। जी टीना जी, जिस प्रकार से कोरोना का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला काम करने का, लेकिन मुसीबतें और चुनौतियां बहुत हैं सरकार के पास, अब समय तो बचा नहीं बिल्कुल भी, तो उन जो चुनौतियां हैं वो सरकार कैसे निपटेगी उनसे? कहीं ना कहीं जो बागवान है वहां के वो भी परेशान चल रहे हैं, ओपीएस को लेकर बहाल करने के लिए वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं सरकार के सामने हैं, तो चुनाव में कैसे फतेह करेगी सरकार? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि धरातल पर जो काम करना है या घोषणाएं करना उनमें काफी फर्क रहता है और इस बात को भाजपा सरकार खुद भी महसूस कर रही है, हालांकि वो लगातार कह रही है कि अगले अगर हम टेन्योर इस टेन्योर में जीत कर आते हैं, अगला टेन्योर हमें मिलता है तो जो भी शिकायतें हैं चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे बागवान हैं उनकी दूर करेंगे और हर स्तर पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात ये है कि कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे जो आचार संहिता है वो लग जाएगी और जनता है वो किस तरह का जुलूस है वो अपनाती है और साथ देती है भाजपा का या भाजपा के खिलाफ जाती है, ये तो आने वाले इलेक्शन से ही पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल जो भाजपा है वो लगातार एक ही बात कह रही है कि उन्हें एक बार और एक चांस दिया जाए ताकि वो यहाँ पे जो है जो विकास के काम रुके पड़े हैं उनको आगे ले जा सके। टीना जी, और जानकारी चाहेंगे कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं, वहीं बीजेपी जब कटाक्ष करती है तो ये भी कहती है कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है हिमाचल की, क्या हिमाचल से कांग्रेस का नामोनिशान मिट चुका है वहां पर या कोई मजबूत दिख रही कांग्रेस वहां पर? देखिए संदीप, ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का नामोनिशान मिट चुका है, हालांकि परिस्थितियां कुछ बदली भी हैं इन इलेक्शंस में, और इस बार अगर हम बात करें बाकी इलेक्शन की हिमाचल की तो इसे परिस्थितियां जरूर बदली भी और कांग्रेस इस बात को महसूस भी कर रही है, यही बात है कि वो अपनी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो एक डर दिखा रहा है कांग्रेस का
उसको हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर हुई है लेकिन खत्म हुई है हम ये नहीं कह सकते। आने वाले इलेक्शन ये साफ करेंगे कि जनता कांग्रेस का साथ देती है या नहीं, और जो कांग्रेस है वो अपने डर से उभर कर सब ये अपनी जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर पाती है। जी टीना जी, अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से लोग पहुंचे थे वहां पर, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो लोग पहुंचे थे वहां पर कोई जनता के बीच अपना भरोसा कायम कर पाए हैं चुनाव के पहले, लेकिन क्या जनता उनके बारे में कुछ सोच रही है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ है वहां पे? देखिए जनता के दिमाग में जा पाना तो पॉसिबल नहीं है संदीप, ये बता पाना कि वो आम आदमी पार्टी को कितना सपोर्ट कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, हर फील्ड में जो है कुछ 10 बड़ी घोषणाएं हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल की जनता को मिली है, और हिमाचल लगातार आना बड़े नेताओं का जारी है। लेकिन अगर हम बात करें कि जनता का क्या रुख है, क्योंकि जब पंजाब में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी में तो एक हिमाचल में लहर चल पड़ी थी, और हिमाचल में एक अच्छा जो संकेत है वो आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा था। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आम आदमी जैसे जैसे इलेक्शन सोर्सेज आते जा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, जनता एकदम खामोश है, और इस वक्त बता पाना बिल्कुल कठिन है कि जनता किस तरह जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का पहला इलेक्शन है तो उनके पास खोने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए काफी कुछ है। ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी अपना पहला इलेक्शन किस तरह हिमाचल में लड़ती है और कितनी वो जीत हासिल कर पाती है। टीना जी, एक आप सीनियर पत्रकार हैं और जनता के बीच भी जाती होंगी, तो क्या वोटर जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो भी वोटर उठते हैं तो साइलेंट वोटर होते हैं, तो क्या उनका कुछ रुख पता चल रहा है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कि कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो कह के वोट देते हैं, लेकिन कुछ जो साइलेंट वोटर होते हैं वो मजबूती के साथ सामने आते हैं और विरोध करके किसी ना किसी को जिता देते हैं, तो उनका रुख जाने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल कोशिश की थी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से भी हम लोगों ने काफी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको कवर किया था, अभी भी हम लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बताएं कि जिस तरह से लगातार बात कर रही हूँ कि जो हिमाचल की लहर रही है, हिमाचल में जो एक परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, क्योंकि एंटी इनकमसी फैक्टर हर सरकार के खिलाफ रहता है। कभी भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने इतना काम कर लिया है कि हर वर्ग को खुश कर लिया है, हर सरकार के खिलाफ किसी ना किसी वर्ग में एक नाराजगी एक असंतोष जरूर रहता है, तो ये वो इस सरकार के खिलाफ भी है। लेकिन अभी जो हम साइलेंट वोटर की बात करें, हिमाचल में मैक्सिमम वोटर जो साइलेंट रहते हैं, अपना जो गुस्सा है, अपना जो जो नाराजगी है वो वोट के जरिए वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस बार वही समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक खेल यहाँ पे खेला जा रहा है भाजपा के द्वारा, वो उसको तोड़ पाना वो कांग्रेस के लिए भी काफी मुश्किल में कहूंगी, और जनता उसको एक बात जनता ये समझने की कोशिश इस वक्त तक भी जहां तक मैंने महसूस किया है कि जनता इस बात को ज्यादा महसूस करने की कोशिश करिए कि अगर कांग्रेस सरकार कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी ही लड़ाई में लड़ी है। तो जनता को कहीं ना कहीं ये हल्का सा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस जो अभी अपनी ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो उनकी लड़ाई कैसे लड़ेगी, उनको उनके हक कैसे दिलाएगी। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस कितना आक्रामक रुख अपना पाती है सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ, और कितना वो जनता को भरोसा दिला पाती है कि जब वो सत्ता में आएगी तो जो उनके जो अधूरे काम है, जो इस सरकार से उनको अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, वो पूरा कर पाएंगे। टीना जी, जब केजरीवाल कहीं भी दौरे पर जाते हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी सीनियर नेता जाता है, तो एक दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं ज्यादा बदहाल है वहां पर? फिलहाल संदीप ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम हिमाचल में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जो देश में अव्वल नंबर पर हिमाचल आता है, दूसरे नंबर पर हिमाचल को गिना जाता है, और यहाँ पे सिर्फ इतना हम ये कह सकते हैं कि दुर्गम इलाके हैं, यहाँ पे स्कूल काफी दूर हैं, और स्कूलों की जो सरकारी स्कूलों की जो आप इमारतों की बात करें या कुछ अन्य सुविधाओं की बात करें, उनकी जरूर कमी है, सुविधाओं की कमी हम कह सकते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल धराशायी है या बिल्कुल खराब स्तर पर है। वैसे ही स्वास्थ्य की हम बात करें, स्वास्थ्य संस्थान यहाँ पर है, और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी इतनी शिकायत हम नहीं कर पाते, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज है, आईजीएमसी है, मंडी नेटवर्क है, तो जो जो बेहतर सुविधाएं हिमाचल की जनता को मिलनी चाहिए वो सरकार हर सरकार दे रही, सरकार नहीं हर सरकार देने की कोशिश करती है। अब तो जैसे एम्स भी खुल चुका है, हालांकि फिर भी जो लोग हैं वो पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं, एम्स दिल्ली जाते हैं, क्योंकि वो सेकंड ओपिनियन होती है या उनका अपना एक रहता है कि हमें बाहर जाके दिखाना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हिमाचल में शिक्षा या स्वास्थ्य के बदहाल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सुविधाओं की कमी से कोई इंकार नहीं करता, क्योंकि सुविधाओं की कमी रहती है, लेकिन उनको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बदहाल व्यवस्था है। जी टीना जी, जिस प्रकार से आपने बताया था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम है वो भी सामने नहीं आए, सिर्फ फोन पे बात हुई थी उनकी, फोन पे नाम घोषित किए गए थे, तो कांग्रेस को जो डर सता रहा है किस बात का डर सता रहा है? क्या वो सोच रहे हैं कि अगर हम अभी से नाम का ऐलान कर देंगे तो उनके जो विपक्ष में होगा वो उनसे कोई तगड़ा उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा, क्या ऐसा सोच रहे हैं या किसी पार्टी का डर है उनको?
नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये डर है, क्योंकि आप देखेंगे भी कि जो कुछ सीट्स पे मंथन बाकी है या कुछ सीट्स पे उनके अनाउंसमेंट बाकी है, तो वो वही सीट है जहाँ पे लगातार भाजपा जीत दर्ज करवाती आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का मानना यही है, जहां तक हमने महसूस किया है अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जिस वक्त भाजपा अपनी जो सूची है वो सार्वजनिक करेगी, तो कहीं ना कहीं उस सूची को देखते हुए अगर बदलाव की जरूरत कांग्रेस होगी उस सीट पे, तो वो कर पाए। अगर वो सीट सूची सार्वजनिक कर देगी तो शायद ऐसी संभावना रह नहीं जाएगी कांग्रेस के पास कि वो अपनी सूची में कोई बदलाव कर सके। तो फिलहाल सबसे बड़ा कारण तो यही नजर आ रहा है कि वो बदलाव करने की जो स्थिति है वो अपने पास रखना चाहती है, कि भाजपा की एक बार लिस्ट जारी हो जाए, वो क्या कौन सा कैंडिडेट किस सीट से उतार रही है, उसको देख के अगर वो बदलाव करना पड़ा तो कांग्रेस में बदलाव कर सकती है।